इतना प्यारा ये पार्क लग रहा है इस टाइम धूप में। कुणाल उतना ज्यादा स्केरी हुआ था रात में, लग नहीं रहा क्योंकि वहां बैठा हुआ। भाई ये झील हो चुकी है बिल्कुल एकदम वो वाली। लोग भी देख रहे कितना फुद्दू बंदा है। लेफ्ट पेड़ तोड़ने की लग रही है। इधर आ भाई लेफ्ट आ, तोड़ दे पूरा पेड़। यार यहाँ पे लाइट शो होता था यार, पता नहीं कहाँ चला गया भाई। हमारा ऑर्डर एक मिनट से भी अंडर आ गया भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। नया दिन नई शुरुआत, एक बेहतरीन से ब्लॉग कैद कर रहे हैं गाइस। एंड रात को ओपन होगा तो सोते हुए लेट, क्योंकि भाई नाइट शिफ्ट क्या चल रही है तो अपने को नींद तो आती नहीं है। अभी उठाऊ ना तो रेडी हो चुका हूँ। रात को एक और गलती हो गई, ब्लॉग डालना भूल गया। सुबह के बच्चों के, दोपहर के बच्चों के दो, फटाफट से ब्लॉग एडिट करता हूँ, उसके बाद करता हूँ अपडेट एंड उसके बाद चलते भाग। अब जाकर शुरुआत होगी, पता नहीं कब तक अपलोड होगा। उठाऊ पहले तो एडिट करना, उसके बाद अपलोड करना, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। डाल दे भाई जो बनाया मम्मी ने आज। गाइस हमें क्या बोल सकते हैं, मील में मिल रहा है पकौड़े, ठीक है भाई जो भी मिल रहा है। कह रहा है ठंडे है भाई, ठंडे के चक्कर में अगर से गर्म कराएंगे ना तो इसमें तेल भर जाएगा सारा का सारा। ठंडे तो ऐसे हो गए सही में, पुराने हो गए बने हुए। हमें कितनी देर पर ठंडे हो चुके हैं अभी, 15-20 मिनट से बने ना इसलिए ठंडे हो गए। सुबह से भी टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं एंड अभी मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा बाहर, निकलते हैं घूमते हैं फिरते हैं। कोल्ड स्टार्ट सर्विस भी करवानी है इसकी यार। आज कितनी बढ़िया धूप निकल रही है शाम को 4 बजे भी। 2-3 दिन से मौसम बड़ा बंद बंद सदा, अब खुला जाके बढ़िया हो गया। गाइस अभी मैं ऐसे ही घूम रहा था, मैंने कुणाल को फ़ोन कर लिया। अब देखता हूँ कोई घूमने चल रहा है या तो जैपनीज पार्क जाएंगे या फिर ऐसी हार्ड ही आ जाएंगे। क्यों भाई, और ठंड खत्म हो गई है इस भाई ने, नई जैकेट पहनी है। ऐसा आदमी है देख लो गाइस, लग रहा है ना माँ का पहाड़ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखोगे तो पूरा सिटी शोर है, इधर थोड़ा सा नहर वाला इलाका है तो लग रहा है कि थोड़ा माहौल खतरनाक। हवा चल रही है काफी तेज और कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, तो मुझे लग रहा है नया ब्रिज बनेगा। डैम बन रहा है यहाँ पे, डैम बन रहा है वाटर प्रिजर्व करने के लिए। मंकीज वगैरह भी बहुत सारे होते हैं इधर पूरे दिल्ली में ना, मतलब दिल्ली तो नहीं खेल पूरे रोहिणी में हमें यहीं का दिखता है मंकीज वगैरह और कहीं दिखते नहीं। सही में यहाँ पे दिखता है मंकी और कहीं नहीं दिखते, गंद भी यही दिखता सबसे। यहाँ पे नील का भी तो दिखती है, एक बार देखी थी सच में नील का ही दिखी थी मैं यहाँ पे एक बार, हम खुद हैरान हो गए देख के। जितना प्यारा ये पार्क लग रहा है इस टाइम धूप में, कुणाल उतना ज़्यादा स्केरी हुआ था रात में। सही में भाई बहुत ज़्यादा, अभी इतनी ज़बरदस्त धूप हो रही है, बढ़िया चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही है और रात को उतना ज़्यादा डेंजरस। यहाँ पर स्केट बोर्डिंग चल रही है बच्चों की। ये नीचे पड़ा मुझे ऐसा लगा सांप है, देख के लगा नहीं तो दूर से देखो, ये देखो लग नहीं रहा क्योंकि वहाँ बैठा हुआ। यार यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर आराम से पेड़ों के नीचे अपना छाए में धूप सेकेंगे। भाई यार सर्दियों में भी यहाँ आना चाहिए था रोज दोपहर को, यार हम वेले तो हैं घर पे, यहाँ आराम से बैठ के अपना मजे करते हैं, चिलिंग करते हैं। यहाँ बैठ इधर आ, देखो भाई कितना मस्त लग रहा है यार ये, ऐसा अगर मेरे घर के ऊपर बन जाए तो। भाई इस पेड़ का डिज़ाइन देखना ऊपर से कैसे यूँ कटा हुआ है ऐसे, कितना मस्त लग रहा है यार ये, जैसे किसी ने डिज़ाइन बना रखा हो। और ये वाला तो अलग ही भाई स्पूकी सा होता है, रात में बहुत डर लगता है इसको देख के। ओ ये कैसे गड्ढे हो रखे हैं यहाँ पे भाई, ये है वो रात वाला ग्रेवयार्ड जो हम रात को आए थे उस दिन। रात में लगता है अलग, दिन में अलग लगता है बिल्कुल। ये तो लाइट वगैरह भी जलती नहीं, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है दिखने में। अभी मैंने केशव को भी कॉल किया, वो भी आ रहा है रैपिडो करके, हमारे साथ पहले नहीं आया, बाइक पे आ रहा था साथ में लेकिन अलग से आ रहा है रैपिडो पे फुटबॉल। गाइस झील हो चुकी है बिल्कुल एकदम वो वाली, क्या बोलते हैं दलदल बन चुका है ये, इसमें कुमार एक बार नहा के आया था तभी ये ऐसा है गंदा। देख लो जी भाई ये सर कॉलर भी इसीलिए हरा हुआ है क्योंकि यहीं पे गिरा था एक दिन, पूरे डिप मार के आया था। साइकिल देखो कितना गहरा है, ओ भाई पानी है मतलब दलदल नहीं है अभी। क्यों भाई सरफेस टेंशन हो गई, सरफेस टेंशन कहाँ से आ गई इसमें, और फेंके पत्थर फेंको गहरा बीच में, फेंक पत्थर बीच में, पत्थर ही नहीं मिल रहा भाई, डंडा मतलब पत्थर फेंक पूरा आगे बढ़ा नीचे जा नीचे, बदबू आ रही है यहाँ पे सीली सीली सी, दूर फेंको बीच में। हाँ ये सही कह रहा था, थोड़ा बहुत गहरा तो है ऐसी बात नहीं है। अंदर जाएगा एक बार दोबारा अंदर हो गया एक बार देखते कितना गहरा है। हाँ इसमें होगा क्या,
इसमें मछलियाँ कुछ होगा मतलब जानवर वानवर इसके अंदर कुछ सर्वाइव कर सकता है? अच्छा ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है तो अंदर नहीं हो गया एनिमल नहीं होगी मरीन लाइफ है नहीं अंदर। चढ़िए जरा पेड़ पे चढ़े हो। पहले इस पेड़ पे क्या चढ़ेगा तो खुद ही गिरा हुआ चढ़ने के लिए बैठना वो है पेड़ तो असली भाई वो है असली कौन सा वाला है ना ट्री हाउस इस पे चढ़ जा आराम से बैठियो केशव भी आ जाए जब तक लोकेशन भेज दी मैंने उसको लाइव भाई देख इसमें छेद भी हो रहा है यहाँ पे कोई सांप रहता है भाई ऊपर जाइए ऊपर बिल्कुल ऊपर शिट यार शूज पहन के अगर से पार्क आता नहीं गिरेगा पौधे गिर रहे हैं मतलब पत्ते रहने दो और पर मत जा कहीं टूट ना जाए मुझे डाउट हो रहा है लीव इट ये पहली बार देखा है मुझे लग रहा है अभी कटा है बैठ जाते हैं इस पर आराम से पर गिर ना जाए यार बैठना है भाई मस्त झूले चल रहे हैं एकदम हिल रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसा ना हो अभी पेड़ गिरेगा और कुछ नहीं होगा कम से कम 200 किलो बैठ गया इस पे 80 तेरा 80 मेरा और 40 तो होगा तेरा 60 मस्त है भाई ये जगह गेट ट्रैम्पोलिन सॉरी करेगा कर ये मैं गिरा कैसे पकड़ गया क्यों थ्रस्ट आएगा बहुत तमरस्त घूम गया कहीं कूदा है तो फ्लेक्सिबल बंदा फ्लेक्सिबल मुंडा चल जंप मार क्या दूर थोड़े आए थोड़े रुपए नहीं डूड़ेगा नहीं पेड़ नहीं डूबता भाई लोग भी देख रहे कितना फुद्दू बंदा है पेड़ तोड़ने की लग रही है इधर आ भाई लेफ्ट आ तोड़ दे पूरा पेड़ क्या भाई कितना सही तो है भाई कैसा सही है वहां तो कहूंगा कैसे मैं इसलिए टास्क है ये देख कैसे आ रहा है मैं गीचे गिर गया कुछ हो थोड़ी जाएगा देखियो कोई का क्या इधर कुछ है थोड़ा नहीं खुलेगी तो वैसे कुछ नहीं हो सकता क्यों पक गया वो कुछ हुआ अभी तो इंपैक्ट आ जाएगा तू बांध यहां पे कुछ मतलब वैसे कुछ होएगा थोड़ी ना इंजरी थोड़ी ना आएगी इंजरी नहीं आएगी मतलब वैसे भी ना गिर गया तब भी ना आए हाले नेकेड थोड़ा और इधर ज्यादा वो आएगा और थोड़ा थोड़ा और पेड़ भी टूट सकता है फिर तू मेरे पास बता इतना हिली मेरे पास देख पता नहीं ये कैसा स्टेबल खड़ा हुआ था हम तो नहीं हो पा रहे भाई स्टेबल खड़े पजामा फट गया इसका तू इधर कब यहाँ से कूदेगा ये चल कूद कूदने का मन नहीं करा लेकिन मजा आ गया यहाँ तो बहुत हिल रहा है आओ चले बहुत छलांगे मार ली तुमने अभी और ऊपर जाएगा हवाबाजी करने यहाँ से कूदेगा भाई तो ये तो सुसाइड हो रही है सुसाइड पॉइंट होता है गिर मत जाइए आराम से रखा रखा है फिर मौत का इंतजार है क्या कहाँ बैठ रहा खुद कर रहा आराम करा रहे थोड़ी देर शाम हो गई है बहुत ज्यादा अंधेरा होने लगा घर की तरफ चलते हैं बाइक भी बहुत दूर खड़ी कर रखी है हमने पूरा एरिया पार करना पड़ेगा हमें काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा यार बाइक के लिए भी पर बीच में लाइट शो शुरू हुआ था वो कहाँ गया लाइट शो होता था यहाँ पे वो कहाँ गया पता नहीं यार यहाँ पे लाइट शो होता था यार पता नहीं कहाँ चला गया पहले बनता था बढ़िया यहाँ ग्रीन या पता नहीं ब्लू कलर की लाइट जलती थी देखो लगी हुई अभी भी देखो हाथ धोले भाई भाई हाथ हाथ भाई इसका
लूप में घूम रहा था, पानी नहीं आ रहा था, नहीं कैसा लड़का फ्री हो गया इसके तरह। गाइस अभी पार्क से निकल के आ गए हम तीनों, अब 3 मिनट के जा रहे हैं कुछ खाने के लिए जा रहे हैं अभी। चुप गाइस अभी हम आए रात चाइनीज फूड पे खाने के लिए, चिली पराठा मंगाया हमने और देख रहे हैं बाकी क्या मंगाया जाए। ये तो भाई हमारा फेवरेट है, कुणाल भाई बताएं कुणाल भाई का क्या फेवरेट है, क्या फेवरेट है आपको यहाँ पे? यहाँ पे चिली पराठा और बस। चलो देखते हैं भाई, इसमें हमें पता नहीं क्यों मजा आता है खाने में, इसमें जो पनीर डालते ना ऊपर, ये सबसे मस्त चीज़ है भाई। अभी तो छोटा रहता है, पहले इतनी बड़ी प्लेट में रहता था वो, मतलब कि हाफ प्लेट खाना मुश्किल हो जाता था इसकी साथ में चिली वाली चटनी भाई इसकी। वहाँ से अभी हम आ गए बर्गर किंग में, यहाँ पे बर्गर शर्गर मंगा रहे हैं अपने, केशव लेके आएगा अभी ऑर्डर कर रहा है। पहले बढ़िया है, बढ़िया है, एप्लीकेशन से ऑर्डर हो जाता है बैठे बैठे अपना, बस जाके ले आओ फटाफट, और ऑफर भी मिल जाता है इसमें एप्लीकेशन से ऑर्डर करने में। तो गया अभी ऑर्डर लेने के लिए, एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दिया था हमने, ऑर्डर नंबर 1017 यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था। सर देखो कैसे मांग गया था, पहले मेरे को दिख गया कि प्रिपेयरिंग आ गया 1017, ये बढ़िया है भाई। हमारा ऑर्डर 1 मिनट से भी अंडर आ गया भाई, क्योंकि कुछ था ही नहीं ऑर्डर खास, तीन हमने सिर्फ वो मंगाया बर्गर और कुछ नहीं मंगाया। मुझे मेन मैकडी का पसंद है, पर मैकडी में चल नहीं रहा, वो UPI नहीं चल रहा था, तो हमें यहाँ पे आना पड़ा, और यहाँ का मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैकडी इसके जस्ट पीछे ही है, यहाँ पे पीछे मैकडी हमारा, बाहर जाके खाली दे दो, खाली कुछ है नहीं अंदर, कुछ नहीं है यार, ऑलरेडी प्याज भी नहीं है, सारा मजा नहीं आया इसका, तो मूड ही खराब हो गया, कुछ बोलिए ना सबसे। हाँ यहाँ तो सारी चीजों का अच्छी तरह इस्तेमाल करके जाएंगे, हाथ पाथ सब भाई धो लिए, पूरे मस्त हो रखा था, पेट भर लिया खा के, अब चलते घर। चल अभी हम भाई घर चल रहे हैं, और इसको छोड़ के फिर घर पहुँचते हैं। चल भाई ओके भाई, आज हमने घर से पहले उतार दिया, पैदल जाएगा ये बाइक चल रही ढंग से, पता नहीं हवा निकल गई क्या होगा। चलो ओके कुणाल, घर पहुँचते ही प्रवीण चाचा आगे नीचे कर रहे हैं नन्या के लिए समोसे लाते हैं। मैं कहा यार ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ऑनलाइन चेक करो तो एक समोसा 20 वाला 40 का पड़ रहा है, और जो 40 का था वो 60 का पड़ रहा था। मैंने कहा चल मैं ही ले आता हूँ जाके, एक बार केशव में जाके ले आते हैं फटाफट, क्या करें अब जाना पड़ता है भाई। अभी मैं सोचा पहले कि ना समोसे लेने से पहले गुरुद्वारे मत्था टेक लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में लेट हो जाएंगे रह जाएगा। जब बिट्टू समोसे वाला पनीर पकौड़ा 30 रुपए देता भाई, मिक्स पकौड़े 280 रुपए किलो, बहुत चीज है भाई, काफी बढ़िया बंदा है। कहाँ बंदा है भाई, इस बार इनको समोसा लाकर दे दी ऊपर, मैं जा रहा हूँ तिलक नगर, कपड़े मैंने चेंज कर लिए, मोटी जैकेट पहन ली है, निकलते भाई एक आधा चक समोसा खा लेता हूँ फिर निकलते हैं। इस मोटी जगह से गए हम लेने के लिए, वैसे नाश्ते लेके समोसा लाएगी, और ये बेचारा बीमार हुआ पड़ा, बुखार हो गया इसको। क्या आलू है, क्या आलू थोड़ी है, तो कीमा पनीर है, लो ये खाओ। पनीर क्या होता है, खा कर देखता हूँ कैसा, पकड़ो सोयाबीन प्लस पनीर। वैसे अभी 9 बज चुके हैं रात के, और मैं जा रहा हूँ अभी तिलक नगर, आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, फटाफट जाते हैं गुरुद्वारे दर्शन करके आते हैं, आपको भी कराते हैं, फिर अपना 10:30 बजे निकलूंगा वहाँ से, 11 बजे तक घर पहुँच के लॉगिन काम भी शुरू करना भाई। चलो चलते हैं फटाफट। हर घर ते मने बसेरा, ने जो घर महल पावा, तो गाइस अभी मैं पहुँचा हूँ घर पे, और बच चुके हैं 11, भाई लॉग इन करता हूँ फटाफट से, एंड अपना करेंगे डिनर उसके बाद, एंड भाई आज वीडियो जल्दी करूँगा, कल जल्दी आनी चाहिए, बहुत दिन से बहुत लेट वीडियो आ रही है, आज रात को अप लगा दूंगा, सुबह 8 बजे लाइव हो जाएगी वीडियो। सो गाइस अपने आ चुके हैं फेवरेट, दुनिया के सबसे ज़्यादा बढ़िया घर के बने हुए कढ़ी चावल, भाई मज़ा आ जाएगा खा के। और अभी लॉग इन कर चुका हूँ, काम शुरू होने वाला है अपना, एंड थोड़ा थक गया आज, पता नहीं क्यों वहाँ पर ना मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, आँखों में मिट्टी घुस चुकी है। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30, एंड इस व्लॉग को हम करते हैं इसी के साथ, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिले कल दोबारा एक बेहतरीन से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।